बिसम ओल एवल इस्लामियात बाय सर मुकरम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हज़रत सऊदा रजी द वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजाज डेथ लोड एंड बर्डन ऑन बी अपन चिल्ड्रटेंड हाउस होल्ड्स जोरस दैट कॉस्ट्रॉफिड ड्यूटीज़ हजर ख़दीजा रजी अल्लाह के इंतकाल के बाद नबी महरबान सल् वसल्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था उन्हें रुकावटें करना पड़ रहा था अपने बच्चों को और घर के बाकी दीगर मामलों को देखना पड़ रहा था जो घर के छोटे बड़े काम होते हैं इस वजह से कॉस्ट हैंड्रेंस हैंड्रेंस का मतलब है रुकावट पैदा होना उनके प्रॉफिट और ड्यूटीज़ के अंदर जो नबोत का बहुत बड़ा काम उनके ऊपर मौजूद था इस्लाम की अशात के लिए और इस्लाम के फ़रोग के लिए उसके अंदर रुकावट बहुत ज़्यादा आ रही थी आप फिज़िकली और मैंटली इस वजह से बर्डनाइज हो रहे थे तो हजर खदीजा के इंतकाल के बाद आपके साथ ये सूरत हाल पेश आई कि जिसके बाद आपने हज़र सऊदा रजी तह से शादी की आफ्टर द डेथ ऑफ हजर खदीजा पीस बी अपॉन हिम बिकेम सैड एंड ग्लूमी इन हर एपसेंस हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद क्योंकि हम अपनी वीडियो में ये ज़िक्र कर चुके हैं कि हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हु आपकी वो वाइफ थी जिन्होंने आपके नबत के इब्तदाई दौर में शुरुआती दौर में आपका बहुत ज़्यादा साथ दिया आपको हौसला दिया आपको दिलासा दिया और हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी रहीं इस वजह से उनके इंतकाल के बाद आप अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे और आप उनकी याद में सैड और ग्लूमी रहते थे कम्पेियंस ऑफ ऑलफिट वीज बी अपन एंड वेरी कम्पेनियंस जो आपके साथी थे असहाब थे उन्होंने ये महसूस किया कि नबी वसल्लम हजर खदीजा के इंतकाल के बाद तनहा रह गए हैं इसलिए उनके वो आपकी ये परेशानी और आपकी ये फिक्र लाहक हुई क्योंकि वो आपको हर तरीके से खुश देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने आपकी ये परेशानी को महसूस किया कम्पनीय थाट दैट होली प्रोफिट पीज बी अपॉन हिम डिज़ायर टू री मैरी अगेन सो ही वुड परफॉर्म इज प्रोफिट हु ड्यूटीज़ ईजीली कम्पेनियज ने यह अंदाज़ा लगाया कि अगर आपकी दोबारा से शादी कर दी जाए तो घर के मामलों और बच्चों को देखभाल करने के लिए खातून मौजूद होंगी जिसके बाद आप पे जो बर्डन है प्रोफिट हुड का उसकी ड्यूटीज़ आप आसानी से कर सकेंगे तो ये वजह बनी थी आपको दोबारा से री मेरी अगैन शादी करने की कम्पेियंस प्रोपोज द नीम ऑफ सऊदा बिन तजाम अर्लीस्ट कन्वर्ट टू इस्लाम कम्पेनियंस ने जो नाम आपके लिए मंतख किया जो मशवरा दिया जिस खातून का वो हज़रत सऊदा रसी तैन थी जो कि अर्लीस्ट कन्वर्ट यानी कि इस्लाम के, के, के नाजुल होने के बाद जब आपने नबूत का दावा किया तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था इस वजह से हजरत सऊदा रसी तह के बारे में ये मशवरा दिया गया कि आप उनसे शादी कर लें शिवॉस वडो विद वंसन ये बेवा थी पहले से शादीशुदा थीं उनके शोहर का इंतकाल हो गया था और उनका एक बेटा था हर फर्स्ट husband name वॉज Sakran बिन अम उनके पहले शोहर का नाम जो है वो सकरान था Historically इसको जहन में रखिएगा क्योंकि ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है शिवॉज ओनली मुस्लिम इन हर फैमिली वो अपने ख़ानदान के वाद मुस्लिम फ़र् थी या ख़ात थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उस वक्त तक इनके ख़ानदान में से किसी और शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो यह भी वजह थी कि हज़रत सौदा इंतकाल अपने शोर के इंतकाल के बाद अपने ख़ानदान के अंदर अकेली मुस्लिम खातून थी जिसकी वजह से उनके ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था हज़रत सौदा रजील नीड हेल्प एंड सपोर्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हर फर्स्ट हस्बैंड हज़रत सौदा अपने शोहर के इंतकाल के बाद उन्हें मदद की ज़रूरत थी सपोर्ट की ज़रूरत थी क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि वो अपने ख़ानदान की वाहद मुस्लिम औरत थी जिसकी वजह से पूरी फैमिली का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता था हॉली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मैरिड हर एंड गेव हर प्रोटेक्शन नबी मेहरबान सलील वसलम ने शादी करके उन्हें मुकम्मल प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड किया शी वॉज एक्सट्रीमली डिटेड टू हॉली प्रोफिट पीस भी अपॉन हम वो बहुत ज़्यादा नबी मेहरबान सलील वसलम के साथ सन्सियर थी डिवोटेड थीं उनकी हर खुशी और हर वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र में लगा रहता था लिसन केयरफुली एक बात गौर से सुनें अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो आप व्हाट्सअप नंबर पर रबा करें बग़ैर किसी टेंशन के आप फ्रीली अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं वॉइस मैसेज या रिटन मैसेज इसके अलावा भी अगर आपको कोई और मसला आ रहा है किसी और टॉपिक के हवाले से तो भी आप रब्ता कर सकते हैं सवाल करें या कमेंट में लिख दें मुकम्मल क्लरिफिकेशन करें आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप इस व्हाट्सअप नंबर पे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज आसानी से कर सकते हैं और आपको इसका मैं रिप्लाई हंड्रेड परसेंट इनशा दूंगा नाउ कम बैक टू द लेक्चर व्हेन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मैरिड टू हजरत आयशा रजी शी हर हर एंड अटेंडेड टू ऑल नीड्स हजरत रजी अल्लाह रजील की मौजूदगी में ही नबी मेहरबान सल वसल्म ने जब हज़रत आयशा रजील्ला तादी की तो हज़रत सौदा ने उनसे मोहब्बत की उन्हें वेलकम किया उनको अटेंड किया और उनकी तमाम तरर्यात को पूरा करती रहीं और बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने हज़रत के साथ गुज़ारा क्योंकि उनकी रज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में थी इस वजह से उन्होंने सौदा के साथ एक अच्छा रवैया पेश किया क्योंकि बज़ा ख़ुद व खुद भी अच्छे रवैये और अच्छे अखलाक की खातून थीं

यानी उनके लिए अपना टाइम जो है वो प्रिजर्व कर दिया सर्व कर दिया और माइग्रेट करके चली गई मदीना ये हिजरत के पहले साल में ही वाक़ पेश आ गया था शी हैड मीक एंड हम्बल नेचर एज वेल एज काइंड एंड अफेक्शनेट विद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शी हैड मीक मीक का मतलब वो धीमे मिजाज की खातून थी एंड हम्बल हम्बल सम्रायद्य के हम थी वो किसी के भी गम को दुख को तकलीफ़ को नहीं देख पाती थी एज़ वेल एज काइंड मेहरबान थी वो गरीबों के साथ लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मेहरबानी करती थी मेहरबानी का एक मतलब ये भी है कि उनकी खताओं को माफ़ कर देती थी एंड अफेक्शनेट और बहुत ज़्यादा प्यार करती थी विद द होली प्रॉफिट सल्ह वसम हमारे प्यारे नबी सल्ह् वसम के साथ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपन हिम रेफर्डरत सऊदा रजी अल्ल तन दोस्ट चैरिटेबल एंड जनरस ऑफ हिज़ वाइफ नबीम हहरबान सल्लम ने हज़रत सऊदा का जो मैार बताया है और आपने कहा कि मेरी तमाम हाथ में तमाम बीवियों में जो सबसे ज्यादा चैरिटेबल और जनरस यानी कि सदका खैरा करने वाली और लोगों के साथ हमदर्दी दिखाने वाली थी वह हज़रत सौदा रजील् ताली थीं शी वॉज वेरी डिवोट एंड पंचुअल इन प्रेयर्स डिवोट के वो कम्पलीटली सन्सियर थी इस्लाम के साथ इस्लाम के तमाम असूलों को पर फॉलो करती थी और हर किस्म की मुसीबत पर सब्र करती थी और हर किस्म के इनाम पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी. एंड पंचुअल इन प्रेयर्स वो नमाजों की पाबंद थी शी डाइड इन देंटी सैकेंड ईयर ऑफ़ दिजरत द एंड ऑफ द खिलाफत ऑफ हजरत मज़ीला इनका इंतकाल बाईसवें साल में हुआ हिजरत के जब नबी वसलम ने हिजरत की उससे बाईस साल बाद आपका इंतकाल हुआ और ये वो वक्त है जब हजरत रजिए तन खलफा मुकरते और खिलाफत के दौर में यानी हजरत उमर के खिलाफत के दौर में आपका इंतकाल हुआ हिजरत के बाईसवें साल शिस् बरेडिन जन्नतब्बीओ ने जन्तुल्बकी में तमाम दूसरे अहब और अहबाब के साथ तदफीन किया गया दफनाया गया तो ये था एंड ऑफ द लेक्चर काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ताकि बाकी स्टूडेंट्स और बाकी लोगों का भी इससे फायदा हो काइंडली कमेंट द वीडियो इन द कमेंट सेक्शन आप प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के हवाले से कमेंट जरूर करें थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो